In the joint action of Tarbahar Police and ACCU, an international thief gang was caught. 7 motorcycles were recovered from their possession. The police have been continuously trying to curb the vehicle thefts taking place in the city, and rural areas have also been taking action on the information given by the informer. From the police, Tarbahar Police and ACCU arrested 4 buyers, including 2 thieves, and police recovered 7 motorcycles from their possession. While disclosing the matter, CSP Puja Kumar said that the strict instructions have been given by the higher authorities to curb the vehicle thefts happening in the rural areas, including the district. Following which, due to the joint action, an ACCU 4 buyers and 2 thieves were caught. 7 motorcycles worth 1,50,000 were recovered. बिलासपुर पुलिस द्वारा आज एक बड़ी उपलब्धि पाई गई है, जिसमें से 2 जो मोटरसाइकिल चोर सुनील यादव और पवन यादव को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इसमें कुल मामला ये है कि सुनील यादव और पवन यादव की को पुलिस को सूचना मिलती है, जिसमें से एसीसीयू और तारबहार टीम काफ़ी समय से इनको ट्रैक कर रही थी सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से। जब सूचना मिलती है और सूचना की तस्दीक की जाती है तो पता चलता है कि दोनों सुनील यादव और पवन यादव कुल 7 बाइक चोरी किए हैं, जो कि विभिन्न जिलों में चोरी किए हैं, बिलासपुर, मुंगेली, कोरबा। इनसे 3 बाइक्स बरामद होती है और बाकी के 4 बाइक इन्होंने खरीदार को बेच दिया होता है, तो इन 4 बाइक को पुलिस द्वारा बरामद किया जाता है। पुलिस ने कुल 7 बाइक बरामद की है और साथ ही साथ जो खरीदार है, जो 4 है, उन पे भी अभी पुलिस द्वारा कार्रवाई हो रही है। इसके साथ साथ मैं ये भी अपील करना चाहूंगी लोगों से कि कोई भी बाइक या सेकेंड हैंड गाड़ी खरीदने से पहले उनके कागजात जरूर चेक करें। अगर आप लोभ और लालच में आके सस्ती सामग्री खरीदते हैं तो कई बार वो चोरी का सामान होता है, और इस पर अगर पाया जाता है आपने चोरी का सामान खरीदा है तो आप पर भी कानूनी कार्रवाई हो सकती है। ये पामगढ़ के जांजगीर जिले, ये विभिन्न जिलों में जाके चोरियां करते थे। अभी तो जो बाइक बरामद हुई है वो मुंगेली, बिलासपुर, कोरबा और अन्य जिलों से है। खरीदार भी वहीं आसपास के, अभी ये जांच का विषय है। सुनील यादव और पवन यादव के कस्टडी से 3 बाइक मिलती है और 4 ऐसे बाइक मिलते हैं जिन्होंने उन्हें बेच दिया गया, तो कुल पुलिस द्वारा 7 बाइक को बरामद की जाती है और इसमें कुल